नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की। बिजनौर में हत्या के मामले में भी मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार लगा रहा लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये दावा करती है कि हमने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। डीजीपी और लखनऊ के कमिश्नर एसबी सिरोडकर का कहना है कि लखनऊ पुलिस जो पीड़ित होता है उनका स्वागत करे, उनकी समस्याओं को सुने। ऐसी एक घटना को लेकर पीड़ित हमारे पास आया, बिजनौर थाने का ये पूरा मामला है। बिजनौर क्षेत्र में सतीश हैं जो मृतक के भाई हैं, 5 तारीख को दो युवक मतलब उसके दोस्त उसे घर से लेकर जाते हैं। उसके बाद रात्रि में ये खबर मिलती है कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद पीड़ित 5 सितंबर से आज 13 सितंबर है लगातार बिजनौर थाने में न्याय की गुहार लगा रहा है कि मुकदमा लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक बिजनौर थाने ने किसी भी तरह का मुकदमा नहीं लिखा। उल्टे पीड़ित ने हमें ये भी बताया कि उल्टे एसएचओ का कहना है कि इस पे हत्या का मुकदमा ना लिखा कर एक दुर्घटना का मुकदमा लिखा है। हमारे साथ पीड़ित के भाई हैं, जो मृतक हैं उसके भाई हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या था। सर, क्या नाम है आपका और क्या और अनिल नाम है? अनिल जी, अनिल क्या हुआ था? हमारे भाई को जो है, हम लोग शाम को हम ड्यूटी से आए, वहाँ चारा पानी कर रहे थे। हमारा भाई हमारा सरवण है, सरवण वहीं पर था। हम लोग जो है चारा पानी कर रहे थे, वहीं पहुड़ा था। एक गाँव के विनोद और जो है मोहित, ये दोनों आ करके उससे जो आए खा चारपाई पे बैठ करके उसने कुछ पैसे दिए, कहा जाइए आप जो है। तो उन्होंने उसको बुला करके गाड़ी बैठा करके ले गए सरवण को। वो रात में 12:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि आपका भाई वहाँ जो है पड़ा है। कहाँ पर पड़ा? गांव के बाहर जो है, साईं भट्टे के पास। वहाँ हम लोग जो है जा करके देखा तो जो हमारा भाई गया। हम तो पीछे जब तक पहुँचे था पुलिस ले जा चुकी थी। भाई जो हमारा फ़ोन किया, बताया कि जो है भैया इनके कुछ है नहीं। भाई सतीश पहुँचे वहाँ, बताया कि जो है इसके भैया कुछ है नहीं, इसको अस्पताल लिए जा रहे हैं। तो हम कहें ठीक, हम भी अस्पताल पहुँच रहे हैं, आप चाहिए। वो जो है लोग बंधु ले गए, वहाँ बताया जो है डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद जो है हम लगातार वहाँ उसकी जो है पैरवी कर रहे हैं कि साहब FIR लिख लीजिए। पैरवी बिजनौर जो है, बिजनौर गए, कमिश्नर ऑफिस गए, हर जगह से थक हार करके भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, लोग धमकी दे रहे हैं, सुलह समझौता ले कह रहे हैं। लोग धमकी दे रहे हैं, वही जो लोग ले गए थे उनके घर हम जो है सुबह पूछने गए। कोई दुश्मनी थी उन लोगों से? कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने ले गए उनसे। हम लोग सवेरे घर के भेजें कि भैया जो पूछ का हो जाए कहाँ छोड़ना है, तो उसके घर के जो है बता रहे हैं कि विनोद नहीं है घर पर, विनोद मोहित दोनों लोग कह रहे हैं घर पर नहीं है, पता नहीं कहीं गए हैं। उसके हाँ, आते जाते थे उनके पास जो है, बैठते उठते थे। उसके बाद जो है ना वो दोपहर में आए ना दोपहर में, ये 3-4 दिन के बाद जो है प्रधान के यहाँ बुलाया गया। प्रधान का क्या नाम? शिव सागर यादव, उनके यहाँ बुलाया गया। वहाँ जो है ग्राम सभा माती है हमारी, वहाँ जो है सरवण से हम लोग पहुँचे तो वहाँ पूछा गया, तो बता रहे हैं कि हम जो है गाँव के थोड़े तुम्हारे घर के आगे जो उतार दिए थे, हम तुम उतार दिए थे तो हमारे पास जो है ना सूचना दी गई हमारे पास, भाई घर के आगे उतारे तो हमारे उतर कहाँ जाते हैं, पहुँच गवा जाए करके। उन्होंने उनसे पूछा गया तो बताया नहीं, हम उतार दी नहीं, हमसे लोगों ने नहीं बताई। अरे उतार दिन हो या ना उतार दिन हो, पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा? पुलिस ने आज तक मुकदमा नहीं लिखा। आप कल जो है कल बुलाए जो कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ जाए कहा लग जाओ आप जो है आपका मुकदमा लिख जाएगा। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने कह रहे हैं कि जो है इसका आइडेंटिटी लिखा दीजिए, दुर्घटना लिखा दीजिए। हम कह रहे हैं साहब जो हमारे घर से बैठा गया, आपको आशंका है कि हत्या हुई है? आप जो इसका फोटो देख लीजिए, और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेट में घाव है बस। किस तरह की मदद चाहिए? हम भैया हम सोच रहे बस, हम यही कह रहे हैं कि हमको मदद मिले, न्याय मिले बस। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल नाम है। तो मृतक शरवण के भाई अनिल हैं और सतीश हैं, दो भाई, ये 3 भाई हैं जिसमें से बड़ा भाई जो शरवण था उसकी मृत्यु हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी निर्मम हत्या की गई है। मोहित और दूसरे युवक विनोद, मोहित और विनोद के साथ श्रवण साथ में गए थे
और उसी दिन की घटना, उसी दिन खबर मिलती है कि रात्रि 12 बजे 12:30 बजे उसका शव साई भट्टे के पास है। पीड़ित पहुंचता है लोक बंधु अस्पताल जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर आज 7-8-9 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बिजनौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उल्टा पीड़ित से कह रहे हैं कि उस पूरे मामले पर दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करा दो। पीड़ित परिवार को आशंका है कि इस पूरे मामले में हत्या की गई है। बिजनौर पुलिस से अभी तक और लखनऊ पुलिस से पीड़ित को किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। हम इंस्पेक्टर बिजनौर से बात करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में अभी तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं और आखिर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी हत्या जैसे मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया।